हेलो गाइस, दिस साइड वरुण। कैसे हैं आप लोग? और वेलकम टू माय चैनल। और इस टाइम मैं हूँ सरजू नदी के पास, और यहाँ पे आपको आया था अपने गांव। ये मेरा गांव है, गांव में पड़ता है। गांव मेरा वैसे जो पड़ता है वो सागंज पड़ता है, जो कि यहाँ पे भी और रिलेटिव रहते हैं, तो उनके पास ही मैं मिलने आया था। तो यहाँ पे भी मेरे गाँव में घर हैं, रिलेटिव हैं, तो मैं उनके पास ही आया था। तो उनको ये मुझे ये नदी लाया, फर्स्ट टाइम मैं आया हूँ ये नदी के पास। ये पीछे देख सकते हैं, ये सरजू नदी है पूरी, जो कि काफ़ी गहरी है। इसके अंदर जो कि काफ़ी गहरी है, इसके अंदर मछली, मगरमच्छ और पता नहीं क्या क्या है। और इस टाइम ये सब के साथ आया हूँ। ये अभी भैंस ये नहा रही थी। इस टाइम ये मट्टी, ये आदमी जो काम कर रहे हैं, मट्टी खोद के निकाल रहे हैं। गया बेफालतू बेफालतू आया। क्या, कहाँ पे बैठे थे? वही आपड़ा स्टेशन सामने से। अच्छा, कितना चार्ज, पैसे लिया था वो? ज्यादा नहीं, 20-25 रुपए टिकट है बस। बस कितने देर घुमाया था? अरे आधी घंटा जाने का लगता है। ये सूखी मिट्टी उसमें से निकाली, उधर से दूसरी नाव से वापस नीचे से नहीं, बाहर से ही है। मुक्का बंद कर एक्शन कर जिससे पानी। यहाँ ये सब बैठे हुए हैं। मैं पूरी रिकॉर्डिंग ही कर ले रहा हूँ। तो ये सब लोग बैठ के टाइम पास कर रहे हैं, हवा खा रहे हैं। जिसके पास खाली टाइम होता है वही आके बैठ। पीपल का पेड़ है? नहीं, बहुत बड़ा पेड़। कितना पुराना पेड़ है भाई ये? बहुत पुराना है। ये मंदिर के चीज के, ये कौन कौन किसके, देवी के? शंकर भगवान का, ये हनुमान जी का, और ये वाला कृष्ण राधा का। YouTube पे आज एक वीडियो देख लेना। आम की लकड़ी है सुबह? ये आम की लकड़ी है क्या सामने? आम की लकड़ी है वो। आराम से चढ़ियो, आराम से। इस पे चढ़, इस पे पैर रख के चढ़। ये पेड़ भी बहुत पुराने हैं, पीछे देखो। चलने का टाइम हो गया, हम लोग अब निकलने वाले हैं, निकल रहे हैं, सब गाड़ी में बैठ रहे हैं। और इस टाइम हम लोग ये क्रॉसिंग ब्रिज पे चल रहे हैं, जो कि उस नदी से आपको दिखाया था, उस नदी से दिखा था। और हम लोग उस ब्रिज पे ही हैं, जो कि बहुत ही सुंदर बनाया गया है। ये देख, ये मेरे पीछे देखो कितना अच्छा बना हुआ है ये। ब्रिज देखने में बहुत ही सुंदर लग रहा है। अराउंड ये 3 से 4 किलोमीटर का ब्रिज है, और ये ब्रिज जागीर पूरा एक कोई जगह है यहाँ पे, उसके पास पड़ता है। और ये सरजू नदी इसको कहा जाता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छी और काफ़ी ज़्यादा खतरनाक भी लग रही है। काफ़ी चौड़ी है ये, और मैं आपको भी दिखाता हूँ पीछे। ये आप देख सकते हैं कि कितनी दूर तक ये नदी गई हो, कितनी 3 से 4 किलोमीटर के आसपास ये चौड़ी नदी है। मेरी गाड़ी वो जो आगे खड़ी हुई है, और हम लोग इस टाइम गाड़ी के पास जा रहे हैं। यहाँ का नज़ारा हम देखने आए थे, क्योंकि बहुत ही अच्छा लगा। हम लोग जाना कहीं और था, और हम लोग इस साइड आ गए इससे भी इस व्यू को देखने के लिए। और इस व्यू से थोड़ा हम इधर अगर क्रॉस करके इधर आते हैं, तो उस तरफ सामने आप देखिए वो टेंपल पड़ता है। यहाँ पे इसके ये स्नान वगैरह किया जाता है, और ये लोग ये इसमें गंगा
भी है इसमें, तो इसमें यहाँ पे स्नान करने के लिए लोग आते हैं। शाम के टाइम पूजा वगैरह आरती वगैरह होती है। वहाँ पे एक मंदिर है, उसके आसपास ये खेत हैं लोगों के, मतलब गांव है ये। कुछ देर अभी मैं यहीं पे ही रहूँगा क्योंकि काफ़ी रिलैक्सिंग फील लग रहा है यहाँ पे। बहुत अच्छी हवा लग रही है, ठंडी ठंडी, और देखने में बहुत अच्छा है ये। सच में नेचुरल जो चीज़ें होती हैं, जो गांव का जो फील होता है, गांव में जो एक रहने का एक थोड़ा सा मतलब ये होता है, फैसिलिटीज़ नहीं होती हैं, लेकिन जो वहाँ पे गांव का जो नेचुरली हर चीज़ होती है, खाना ले लीजिए आप, नेचुरल एयर जो होती है, और बाहर की तरफ सोना एसी में नहीं और कूलर में नहीं, वो चीज़ का मज़ा ही अलग होता है एक गाँव में। अगर किसी के गाँव में जाते होंगे तो लोग इस चीज़ का अच्छे से ज़्यादा पता होगा। ऐसी है, मेरा एक छोटा सा गांव है जो कि ऐसा दिखता है जो मैं आपको दिखाया।